Hello aspirants, today in this lecture we are going to discuss an editorial about farmers protest and MSP. So farmer protest कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के basically. So उसके बारे में ये editorial है और ये editorial जो है वो the Indian Express से लिया गया है. Keywords जो हैं इस editorial के paragraph में जो कि हमारे लिए जानने जरूरी हैं वो यहाँ पे हैं. First word है striking. Striking का मतलब होता है evident, ऑब्वियस, जो चीज ऑब्वियस है. दैट मींस अगर मैं बोलूँ कि ये इस चीज का जो ये जो रिजल्ट है ये स्ट्राइकिंग है, दैट मींस ये ऑब्वियस रिजल्ट है. ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है लॉ और ऑर्डर, ठीक है. ऑर्डर या लॉ जो भी अप्रूव किया गया हो या अभी अप्रूव होना हो. सो अपरेंट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, ठीक है. डेथ नेल होता है, नेल का मतलब आपके लिए जानना जरूरी है. नेल होता है, नेल है एक साउंड का नाम है. किस चीज के साउंड का नाम? जब बेल बिल्कुल स्लाइट नॉइस आती है, जब बेल बजाते हैं हम तो उसकी बिल्कुल स्लाइट सी नॉइस आती है, जब लास्ट में जब बेल रिंग हो रही होती है तो उसको बोलते हैं नेल. उस साउंड का नाम है नेल. पर डेथ नेल फ्रेज की तरह यूज हुआ है तो फ्रेज में इसका मतलब है एंड, किसी चीज का रिमूवल या किसी चीज का एंड किसी और चीज की वजह से, ठीक है. सो जब भी इसको पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये. एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये कौन सा प्राइस होता है? ये गारंटी प्राइस है जो सरकार की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस. फार्मर के प्रोड्यूस के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो गारंटी प्राइस होता है उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस. प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेज, ठीक है. डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, रिमूव कर देना, किसी चीज़ को मतलब पुल डाउन, मतलब उस चीज़ को गिराना, ठीक है. मोनोपली का मतलब है पूरी तरह से किसी का होल्ड, कंट्रोल, या किसी, जब हमारे कोई चीज़ पूरी तरह, मतलब मान लो कोई चीज़ है जो मेरे पोजेशन में है तो मेरी क्या है, मोनोपली है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है. फैसिलिटेट का मतलब है मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को ईजी कर देना, बना देना. स्टर का मतलब है डिस्टर्बेंस. रेजिस्टेंस का मतलब है ओपोजिशन, किसी चीज़ को अपोज करना, रेजिस्ट करना. एक्सप्लिसिटली का मतलब है इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे, ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बताना, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज हियर, क्या है? टू थिंग्स आर स्ट्राइकिंग, दो चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियस हैं. किस चीज़ के बारे में? ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उस चीज़ के बारे में. ये दो चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियस हैं. अगेंस्ट द थ्री, किस चीज के अगेंस्ट है ये दो चीजें जो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में हैं? थ्री सेंट्रल ऑर्डिनेंसेस, ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं, लॉज हैं, उनके अगेंस्ट हैं. कौन से? जो ऑर्डिनेंसेस दैट सीक टू, वो क्या चाहते हैं इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, का इन ऑर्डिनेंसेस का एम क्या है? एग्रीकल्चरल ट्रेड को कंट्री में फ्री कर देना, मतलब लिबरलाइज कर देना. वो कि ये जो है पहले सेल परचेज होती है, जो फार्मर्स जो सेल परचेज करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं यानी कि परचेज करते हैं, वो वाया मार्केट कमेटी करते हैं, जिसका आगे मेंशन भी करा गया है, ठीक है. उस मार्केट कमेटी का या कमीशन एजेंट्स का या एमएसपी का रोल खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट, तो ये उसके बारे में है. और वहां पे क्लैरिटी भी दी गई है कि एक्चुअल में एमएसपी ही टारगेट है या कुछ और है. सो द फर्स्ट इज द अपेरेंट रीजन. फर्स्ट रीजन जो है वो लॉजिकल है, विजिबल है. फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कहते हैं कि ये वाले जो ऑर्डिनेंसेज हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली क्या है कि एग्रीकल्चर ट्रेड को लिबरलाइज करना है. पर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंसेज हैं ये क्या करेंगे? विल साउंड द डेथ नेल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ये एमएसपी बेस्ड जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है ये उसको खत्म कर देंगे, उसको एंड कर देंगे. ऐसा लगता है कि एमएसपी तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है. कौन से ऑर्डिनेंसेज बीच में हमें बताया गया है? पर्टिकुलरली एक ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है जो कि फार्मर को, जो कि एक फार्मर को अलाउ करता है क्रॉप का सेल परचेज करने के लिए मंडी के बाहर भी. मंडी का जो प्रेमिसेस है, मंडी का जो एरिया है, मार्केट कमेटी के जो अंडर आता है कि थ्रू मार्केट कमेटी करने की जरूरत नहीं है, आप बाहर भी सेल परचेज कर सकते हो. ये जो ऑर्डिनेंस है इन तीनों में से एक ये अलाउ कर रहा है. और ये क्या करेगा? ये एमएसपी को खत्म कर देगा, ठीक है. इस चीज का डर है, पर एडिटोरियल का राइटर क्या कह रहा है कि ये जो फियर है इसका कोई बेस नहीं है.
क्योंकि इसके बारे में एमएसपी को तो गवर्नमेंट ने जो मेंशन ही नहीं करा कहीं पे, उन्होंने तो अलाउ करा है तो कहीं मेंशन नहीं करा है, पर डीप अगर इसके बारे में किसी को नॉलेज है तो डेफिनेटली जो फर्क है वो यहीं पे ही पड़ेगा। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये किस चीज का नाम है? ये एक ऑर्डिनेंस का ही नाम है, एक लॉ का नाम है, विच इज टू बी अप्रूव्ड, जो कि अभी अप्रूव होना है करंट पार्लियामेंट सेशन में। मेयरली प्रोवाइड्स एन एडिशनल मार्केटिंग चैनल, उससे क्या होगा, एक मार्केटिंग चैनल दिया जा रहा है, एडिशनल मतलब एक और मार्केटिंग चैनल, मतलब जहाँ पे मार्केटिंग की जा सकती है। फार्मर्स अगर वो चाहते हैं, इफ दे चूज, कैन नाउ सेल डायरेक्टली टू प्रोसेसर, रिटेलर और एक्सपोर्टर, तो वो बाहर भी सेल परचेज कर सकते हैं। दे कैन ऑफ कोर्स स्टिल टेक देयर प्रोड्यूस टू मंडीज, तो वो और भी कर, और अभी भी वो चाहें तो अभी भी स्टिल दे कैन टेक देयर प्रोड्यूस टू मंडीज, अभी भी अगर वो अपना प्रोड्यूस जो है, क्रॉप प्रोड्यूस जो है, वो मंडी लेके जाना चाहते हैं तो वो मंडी लेके जाएं, ठीक है। अगर वो कहीं डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं तो वो कोई डायरेक्टली सेल करें, ठीक। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये अभी अप्रूव होना है, उसके अकॉर्डिंगली ये है जो एडिशनल मार्केटिंग चैनल प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज कैन कंटिन्यू टू प्रोक्योर ग्रेन, गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो ग्रेन परचेज कर सकती हैं, कहाँ से, स्टेट मंड, जो स्टेट में जो स्टेट रेगुलेटर मार्केट यार्ड है, ये मंडियों को ही बोला गया है, तो वहां से डायरेक्ट जो है वो सेल परचेज हो सकती है। द ऑर्डिनेंस ओनली डिसमेंटल्स द मोनोपोली ऑफ एपीएमसी, जो ऑर्डिनेंस है, ये जो रूल है, द ऑर्डिनेंस मतलब ये जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, द इसीलिए द लगाया गया है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस जिसकी अभी अभी बात करी गई है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा मोनोपली को, मोनोपली मतलब एपीएमसी का। मैंने आपको अभी बताया जितना भी सेल परचेज है वो थ्रू प्रेजेंट सिचुएशन में किसके थ्रू होता है, मार्केट कमेटी के थ्रू होता है, और हेल्प कौन करता है फार्मर्स की, कमीशन एजेंट करते हैं, है ना। तो कमीशन एजेंट क्या करते हैं, उनका ये काम इजी बना देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, मार्केट कमेटी का जो मोनोपली है, उनका जो कंट्रोल है इस एरिया में, उसको ये जो ऑर्डिनेंस है ये ब्रेक कर देता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है। इससे फार्मर को कोई नुकसान नहीं बल्कि मार्केट कमेटी को नुकसान है। द फार्मर द करंट प्रोटेस्ट आर हैपनिंग लार्जली इन पंजाब एंड हरियाणा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं, मेजर तो मेजरली पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं, लार्जली स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जहाँ पे वेल एस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं मंडी के, तो मंडी और एमएसपी बेस्ड मेनली कहाँ पे चलता है ज़्यादा, पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर जो है बेसिकली कहाँ से ज़्यादा आता है, पंजाब हरियाणा से ही ज़्यादा आता है, ठीक है। सो 18,000 to 90,000 करोड़ एनुअली इसकी वैल्यू रहती है, और जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ इट आर ऑब्वियस नॉट ओनली टू देयर फार्मर्स, सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को नहीं बल्कि पावरफुल लॉबी ऑफ आड़तियाज, कमीशन एजेंट को भी इसका जो है वो बेनिफिट होता है। कमीशन एजेंट कौन है, जो क्रॉप लोन्स को एक्सटेंड करते हैं और फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट एट द एपीएमसी, जो मार्केट कमेटी में, जो मंडियों में खरीदारी होती है उसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, दैट मीन्स उसको और ईजी बना देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें एडिटोरियल के राइटर ने क्या बताया है, यहाँ पे हमें फायदा बताया है कि पंजाब और हरियाणा में बेसिकली ये प्रोटेस्ट ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट जो है यहाँ पे ही ज्यादा है और इतनी उसकी वैल्यू है, बेनिफिट फार्मर्स को भी है और साथ साथ कमीशन एजेंट को भी है। तो जो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, यानी कि जो प्रेजेंट लॉ चल रहा है, उसको अगर कोई थ्रेट होता है तो उसकी ओपोजिशन होना तय है, उसको रिजिस्ट किया ही जाएगा, क्योंकि बेनिफिट है तो बेनिफिट किसको लेना नहीं पसंद, है ना। तो अगर बेनिफिट लॉ को रिस्क में डाला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो इसकी ओपोजिशन होएगी, तो फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट भी करेगा। तो इस चीज से सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, वन शुड नॉट बी सरप्राइज टू सी द डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस है ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। डिस्टर्बेंस किस चीज की है, ओपोजिशन की, ओपोजिशन से ही तो ये डिस्टर्बेंस आ रही है। कैसे आ रही है, फाइंडिंग सपोर्ट अमंग फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट चाह रहे हैं इस चीज को लेके, इन अदर स्टेट्स एज वेल दैट हैव ऑल्सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग पब्लिक ग्रेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिससे कि होगा फार्मर्स जब एक दूसरे का सपोर्ट चाह रहे हैं किसमें, देखिए जब भी वो पब्लिक डीलिंग जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो जितनी भी खरीदारी होनी है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग होगा इससे, ठीक
फार्मर्स एक दूसरे जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये भी स्ट्रांग होगा, और जो डिस्टरबेंस है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, इस चीज को अपोज कर रहे हैं, जो भी ऑर्डिनेंस अभी पास हो रहे हैं तभी इसीलिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, अभी एडिटोरियल में जो राइटर है यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे सजेशन दी जा रही है, ठीक है जी, मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे सजेशन दी जा रही है। एडिटोरियल का जो राइटर है वो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, गवर्नमेंट शुड एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई दैट द ऑर्डिनेंसेस, कि उसको क्लियरली बहुत ही डिटेल्ड मैनर में क्लैरिफाई कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं, ये जो रूल्स हैं, वो अफेक्ट नहीं करेंगे एमएसपी को, एमएसपी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस को ये चीज अफेक्ट नहीं करेगी। कौन से ऑर्डिनेंसेस अफेक्ट नहीं करेंगे? जो कि अभी प्रेजेंट किए जा रहे हैं और पार्लियामेंट में जिनके ऊपर डिबेट हो रही है, ये ऑर्डिनेंसेस अगर मोदी गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर देती है, अगर ये प्रॉपरली बता देती है कि एमएसपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो जो प्रोटेस्ट है वो बहुत कम लेवल पे आ जाएगा। इतना प्रोटेस्ट फिर फार्मर्स नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर ही किसी बात का है। पहले पैराग्राफ में बता दिया गया हमें कि एमएसपी का ही तो डर है कि एमएसपी की वैल्यू चली जाएगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो गारंटी प्राइस है, मिलता है फार्मर्स को अपनी क्रॉप प्रोड्यूस के बदले, वो खत्म होने का डर है, ठीक है। That in any case is not the intent behind present legislation, जो present rule है उसके उसको खत्म करने की कोई intention नहीं है, ठीक है। वो MSP को खत्म करना, मतलब MSP क्या है, present order जो है वो MSP को follow कर रहा है, तो MSP को follow करना इस चीज का ऑर्डिनेंसेस का intention बिल्कुल भी नहीं है। These only seek to remove intra and interstate movement, ये इसका, अच्छा पहले बता दिया कि इसका ये एम नहीं है, फिर बताया कि एम है क्या। पहला एम है इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट को रोकना, दूसरा एम है स्टॉक होल्ड। स्टॉक होल्ड क्या होता है कि जब कोई स्टॉक को जमा करके रख लेता है, जब कोई स्टॉक को जमा करके रख लेता है अपने पास, जैसे अनियन है मान लो, तो उसका जो है स्टॉक किसी ने कलेक्ट करके रख लिया कि पहले इसकी कमी क्रिएट करते हैं, फिर जब मार्केट में कमी हो जाएगी तो फिर इसके प्राइस बढ़ेगा, तो फिर ज्यादा प्राइस पे इसको बेचेंगे। देखिए जब प्राइस बढ़ जाता है फिर भी अनियन आना बंद थोड़ी हो जाता है, कोई मार्केट में आता तो है ना, तो प्राइस क्यों बढ़ता है? इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि स्टॉक होल्ड करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक होल्डिंग पे क्या लगाना है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, ये हमें एडिटोरियल का राइटर बता रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है अभी तक। वो क्या है, वो सजेशन दे रहा है मोदी गवर्नमेंट को कि एक तो आप ये क्लियर कर दो कि एमएसपी इफेक्ट नहीं होगा इन ऑर्डिनेंसेस की वजह से, दूसरा ये क्लियर कर दो कि इंटेंशन क्या है आपकी, इंटेंशन मेनली क्या है, एम क्या है, क्या सीख करते हो आप। एक तो आप इंटर इंट्रा स्टेट को की मूवमेंट को बंद, मतलब बंद करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, और आप स्टॉक होल्ड रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, और साथ में आप क्या कर रहे हो, मोदी गवर्नमेंट और क्या कर रही है, ये भी उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि वो फार्मर को अलाउ कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट सप्लाई कर सकता है एग्री बिजनेसेस को, ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव डेयरीज होगी, शुगर मिल्स हैं, ठीक है, जो कि जो मंडी के थ्रू खरीदारी नहीं करते हैं। द पंजाब वीट फार्मर मे बी हैप्पी सेलिंग इन मंडीज, जो पंजाब का वीट फार्मर है वो शायद मंडी में गवर्नमेंट एजेंसीज को अपना प्रोड्यूस बेच के खुश हो सकता है, इसका तो पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू राइटर वो क्या कह रहा है कि जो पंजाब का वीट फार्मर है वो चाहे खुश हो सकता है, पर इस चीज का ये जो मतलब अभी जो प्रेजेंट लॉ है उससे जो पंजाब का फार्मर है वो तो खुश है ही, तो वो खुश हो सकता है, पर जो महाराष्ट्र का पोमग्रेनेट ऑरेंज प्रोड्यूसर है, ग्रोअर है, जो इसको उगाता है, जो इसकी फसल करता है, ठीक है, वो उसके मतलब उसका जो इफेक्ट है इनके जो डिसीजन का, पंजाब के जो फार्मर चाहते हैं उसका इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो क्या चाहते हैं, ये तो चाहते ही हैं कि मार्केट कमेटी के बाहर इनको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिले, ठीक है, वो तो चाहते ही हैं कि वो मार्केट के बाहर डायरेक्ट सेलिंग करें ताकि गवर्नमेंट की तरफ पैसा ना जाए, डायरेक्ट उनको ही आ जाए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट से भी नहीं करना चाहते, वो मंडी में भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मार्केट कमेटी को भी नहीं कुछ पे करना चाहते, तो वहां का जो प्रोड्यूसर है उसकी सोच अलग है,
क्योंकि वहां पे जो क्रॉप्स हैं, वहां पे वहां का जो मेन बिजनेस है वो क्रॉप प्रोड्यूस नहीं है, पर पंजाब में जो फार्मिंग सेक्टर है वो एक मेन बिजनेस है, तो वो मंडी में ही करके राजी हैं, क्योंकि उनको तसल्ली, सेटिस्फेक्शन या उनको गारंटी प्राइस जो है, जो कि MSP से मिलता है, वो उनको मंडियों में ही मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो वो प्रोटेस्ट, यहाँ पे सजेशन दी जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म कैसे किया जा सकता है या बंद या कम कैसे किया जा सकता है। अगर उसके बाद पंजाब वीट फार्मर के का MSP की MSP अगर इफेक्ट नहीं होता, तो पंजाब वीट फार्मर मतलब MSP के ऊपर तो मिनिमम बेचेगा ही अपनी मंडियों में, पर उसका जो इफेक्ट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर नहीं आना चाहिए, उन जो प्रोडक्शनिस्ट हैं, उन प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो APMC के बाहर को जो भी जितनी भी ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट डीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्लोर करें। सो दिस वॉज द एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, एंड इसका जो टोन है यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में, इसका टोन जो है वो सजेस्टिव है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये फियरफुल टोन है इसका, सेकेंड पैराग्राफ में जो इसका टोन है यहाँ पे इंफॉर्मेटिव है कि हाँ जी इतना इंफॉर्मेशन, ये बेनिफिट इसको होता है, पर साथ में हमें इंफॉर्मेशन और भी क्या प्रोवाइड करी है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो अपोज है वो ऑब्वियस है, और उसके कारण डिस्टरबेंस है। ठीक है, डिस्टरबेंस कहाँ पे है? फार्मर्स के बीच में है, प्रोटेस्ट है, तो प्रोटेस्ट का दूसरा नाम ही क्या है? डिस्टरबेंस। ठीक, सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल, थैंक यू फॉर दिस क्लास, और इसको प्लीज रिवाइज करिएगा, और कीवर्ड्स जरूर इसके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।